जो ज्योतिष विज्ञान है, ये एक बहुत पुराना विज्ञान है और उतना ही लुप्त हो चुका विज्ञानों में से भी एक है। इसका सिर्फ ये अर्थ नहीं आता है कि किसी के ग्रह तारों को स्टडी करना, ज्योतिष शास्त्र इतना भी डीप जाता है कि किस तरह से ह्यूमन कॉन्शियसनेस या इंसानी शरीर अपने भीतर काम करता है। अगर दुनिया भर के 750 करोड़ लोगों का थंबप्रिंट एक जैसा नहीं, वहां भी अस्तित्व खुद की खूबसूरती बिखेर देता है, हर किसी को अलग ढंग से निर्मित किया है, हर किसी के पास विशेषता है, तो क्या ये निसर्ग, तो क्या ये अस्तित्व तुम्हारे शरीर पर इंडिविजुअली काम नहीं कर सकता ग्रह तारों के दरमियान? तो जैसे कि कल हमने ज्योतिष शास्त्र पे बात किया, आज हम थोड़ा आगे की चीजें उस पर बात करेंगे। जो मैंने कल कहा कि हमने पहले ज्योतिष शास्त्र की बाहर की चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश की वैज्ञानिक रूपों से, कि किस तरह से ये ग्रह पर काम करते। हमने ये पाया कि चाहे विज्ञान के बहुत से ऐसे नियम हैं और चाहे दोनों नियम हो, विज्ञान में भी दो शाखा है। एक तो वो लोग हैं जो अणु के लेवल पर काम करते हैं, एटम के लेवल पर काम करते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो बाहर ग्रह तारों की चिंताएं करते हैं कि उनकी किस तरह से पूरी की पूरी विज्ञान निर्मित होता है। इन दोनों मापदंडों से किस तरह से ज्योतिष शास्त्र अपना काम करता है, ये हमने समझने की कोशिश की। अब थोड़ा सा हम गहन जाएंगे, हम ये समझेंगे कि इंसानी शरीर पर इसका एग्जैक्टली प्रभाव क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है। हमने जो एक दो चीज़ें कल देखी वो इस तरह से थी कि जिस तरह से जो पानी है वो हमारे जीवन पर काम करता है, जो पानी पर पूरा का पूरा चंद्रमा काम करता है, उसी तरह से जैसे हमारे शरीर में 70% तक करीब करीब पानी है, तो हमारे शरीर पर भी इन ग्रह तारों की ऊर्जाएं काम करेगी। हमने ये भी देखा कि किस तरह से बहुत से ऐसे लोगों ने सिर्फ पत्रिका को देखते हुए बहुत सी चीज़ों को इंसानी शरीर के आसपास की सॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो ज्योतिष विज्ञान है, ये एक बहुत पुराना विज्ञान है और उतना ही लुप्त हो चुका विज्ञानों में से भी एक है। लुप्त इसलिए क्योंकि इसकी कई शाखाएं हैं। इसका सिर्फ ये अर्थ नहीं आता है कि किसी के ग्रह तारों को स्टडी करना, ज्योतिष का बस इतना काम नहीं है कि कौन सा ग्रह तुम्हारे जीवन पर किस तरह से काम कर रहा है इसके बारे में सोचना, ना ज्योतिष शास्त्र इतना भी डीप जाता है कि किस तरह से ह्यूमन कॉन्शियसनेस या इंसानी शरीर अपने भीतर काम करता है, हमारे जो विचार है, हमारी पूरी की पूरी जो भाव शक्ति है वो किस तरह से काम करती है, इस पर भी पूरी तरह से ज्योतिष शास्त्र का प्रभाव है और ज्योतिष शास्त्र इसके हिसाब से चलता है। हमने जो समझा वो यही समझा कि ना सिर्फ ऊपरी चीजों से बल्कि बहुत भीतरतम में ज्योतिष शास्त्र अपना काम करता है। ज्योतिष शास्त्र को चाहे आज बहुत से लोग अंधविश्वास के रूप में देखे, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सेग्रीगेट करूँ आपके लिए, थोड़ा तोड़े, तो हम पाएंगे कि ज्योतिष शास्त्र है क्या। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें कल को पता करने की चाहत है। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि जो भी हो रहा है उसका एक कारण और उस रीजन को ढूंढने की ये चेष्टा है। साथ ही साथ ये चेष्टा की गई है भविष्य की जान की, कि किस तरह से भविष्य में घटनाएं होगी, इसकी पूर्वानु कुछ चीज़ें अगर हमें पता चल जाए कि ये समस्या हमारे जीवन में आ सकती है या इस तरह की चीज़ें हमारे जीवन में हो सकती है, तो हमें आसानी हो जाएगी ये समझने में कि अभी के जीवन में क्या किया जा सकता है या उस समय में हमें हमारे जीवन को थोड़ा सा स्थिर रखने में अच्छा रहे, ठीक है। तो ये एक तरह का विज्ञान ही है। कोई इसे ऐसा ना देखे कि भाई ये कुछ जादू टोना है या ऐसा है कि तार्किक है। अगर तार्किक होता तो पूरा का पूरा विज्ञान तर्क के ऊपर आधारित। अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में भी हम कर क्या रहे, हम विज्ञान में भी खोजबीन कर रहे हैं उन चीज़ों की जो पहले से ही है, हम उसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जो वैज्ञानिक बड़ी बड़ी थ्योरीज बनाते हैं, ग्रह तारों का निरीक्षण करते हैं, अणुओं पे काम करते हैं, ये कर क्या रहे, ये भी सेम चीज़ कर रहे हैं, ये भी बस पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे का कारण क्या, और ये चीजें हमें किस तरह से इफेक्ट करती है, इन चीजों का हमारे जीवन में क्या परिणाम होता है। इसी तरह की चीजें चाहे विज्ञान हो या ज्योतिष शास्त्र हो इसमें आती है। ज्योतिष शास्त्र को शायद ही सिर्फ गणनाओं के हिसाब से देखना गलत है, ये पूरे के पूरे इंसानी शरीर के आसपास चलने वाली हर गतिविधि के बारे में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रह तारों की चर्चा है। तो आप बहुत से ऐसे ज्योतिष देखेंगे जो हाथ की नाड़ी पर से भी दर्शन ले लेते, जो आपका हाथ देख लेंगे, कोई पैर देखता है, कोई दिमाग को पढ़ता है, आंख है ना, माथा बनते ना, जो माथा है हमारा वहां से पढ़ता है, और उनके जो बहुत से जो चीजें हैं वो सही बैठती है हमारे जीवन। उसका कारण ये है कि आप पाएंगे कि एक समय के बाद ये पता चला धीरे धीरे कि इंसानी शरीर भी बड़ा चमत्कारी है, और वो चमत्कार ये है कि हमारा आज का जो भी पूरा का पूरा जीवन है वो हमारे कल से निर्मित। जो हम कल थे
हम आज का ही अंश थे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान हर रोज कुछ अलग जिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आज तुम डॉक्टर हो, कल तुम अलग बन गए, कल के कल परसों तुम अमीर बन गए, उसके बाद गरीब बन। ये पिक्चरों में होता होगा, रियल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। अगर तुम अपने पूरे जीवन को पाओगे तो तुम पाओगे कि एक केंद्र से ही सारा निर्मित है। और वो केंद्र क्या है? वो बीज है जो हमारे माँ के गर्भ में बना और जिससे हम बने। विज्ञान अब ये जानता है कि अगर किसी बच्चे की डीएनए को स्टडी किया जाए, अगर उसको आंतरिक रूप से स्टडी किया जाए, तो उसकी हाइट क्या होगी, उसका कलर क्या होगा, उसके शरीर में किस तरह की बीमारियां आएगी या आ सकती है या होगी उसे, इसका पूरा अंदाजा आज हम विज्ञान के मार्फत पता कर सकते हैं। हमारे डीएनए से, हमारे भीतर के वो जो एक तत्व है जिसने हमें निर्मित किया है, उसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा पूरा जीवन किस तरह का होगा, किस तरह की सोच हम रखेंगे, किस तरह का खान पान खाएंगे, ये सब कुछ उस एक बीज में केंद्रित है। ये वैसे ही है जैसे कोई बीज लगा दिया जाए खेती में। एक छोटा सा बीज जब तुम जमीन में रोते हो तो उस पूरी की पूरी संरचना के साथ वो उसमें विलीन। जैसे ही तुमने उसको जमीन में रोआ, तुम पाओगे कि जब वो बड़ा हुआ तो उसी तरह से खिला जैसे बाकी के लोग। लेकिन बावजूद उसके मैं तुमसे कहूंगा कि हर कोई विशेष है। हर कोई विशेष इस रूप से है कि एक, तुम अपना अंगूठा देखो, और दो, अपनी आंखों को देखो। दुनिया भर में जब भी कोई सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं या सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ भी चीज़ें की जाती है, तो आप पाएंगे एक तो होता है आई स्कैनर, उसके बाद होता है हमारा थंबप्रिंट। अगर दुनिया भर के 750 करोड़ लोगों का थंबप्रिंट एक जैसा नहीं, वहाँ भी अस्तित्व खुद की खूबसूरती बिखेर देता है, हर किसी को अलग ढंग से निर्मित किया है, हर किसी के पास विशेषता है, तो क्या ये निसर्ग, तो क्या यह अस्तित्व तुम्हारे शरीर पर इंडिविजुअली काम नहीं कर सकता ग्रह तारों के दर्द? लेकिन मजे की बात यह है कि दो लोग चाहे एक ही गर्भ से निर्मित हो, मतलब अगर कोई जुड़े है, कोई जुड़े बच्चे हैं, उनके भी जो थंबनेल है वो डिफरेंट। अगर ये हो सकता है तो क्या उनकी नसीब अलग नहीं हो सकती? तो क्या ये नहीं हो सकता जीवन भी अलग अलग निर्मित हो? ज्योतिष शास्त्र को इस तरह से समझना, समझो कि ये बस चाहत है भविष्य के प्रति थोड़ा नोन होने। और इंसानी शरीर पर भविष्य निर्मिति के लिए जो भी रीजन है उसे ढूंढने की चाहत या उस पर काम किया गया पूरा का पूरा विज्ञान ही ज्योतिष शास्त्र है। अब इसमें बहुत सी बाद में शाखाएं भी घिरी, उन शाखाओं में आता है जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर ये समस्या है तो कुत्ता बिल्ली को ये खिला दो, वो समस्या है तो गाय को ये खिला दो। ऐसे कई पंडित और कई ज्योतिषाचार्य है, ये किसी धर्म की बात नहीं चलती। तुम दुनिया भर के किसी भी धर्म में जाओ और अगर तुम ज्योतिष में मानने वाले या हर धर्म के हिसाब से जो ज्योतिष को बनाया गया है उसके हिसाब से भी तुम पता करो तो हर कोई अपने तुम्हें ये दे रहा है, सॉल्यूशन दे रहा है। कोई कहेगा कुत्तों को खिला दो, कोई कहेगा भगवान पे कुछ चढ़ा देना, कोई कह रहा है कि मदार पे चले जाना, कोई कह रहा है कहीं पे कैंडल लगा के आना। ये सारी की सारी चीजें हर धर्म में शुरू, ये सारी की सारी चीजें हर हिसाब से शुरू। तो ऐसा नहीं है कि ये बस किसी एक धर्म की बात है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये हर जगह हो रहा है और हम इतना उसमें उलझ चुके हैं कि हम उसकी सच्चाई देख नहीं पाते। जब ज्योतिष ये कहता है कि ये करने से ये हो जाएगा, इसमें मोर और जो इशू है या काम जो करती है चीज़, वो तुम्हारी साइकोलॉजी है, ना कि वो चीज़ एग्जैक्टली काम करती। कुत्तों को कुछ खिला देने से कोई तुम करोड़पति नहीं बन जाओगे, किसी को कुछ दे देने से कोई तुम्हारे कोई कष्ट नहीं हर जाए। सवाल ये आता है कि अगर ज्योतिष शास्त्र काम करता भी है तो फिर कर्म की क्या बची? अगर सब कुछ ज्योतिष है, अगर सब कुछ पहले से तय है, तो फिर कर्म क्या है? तो फिर कर्म की महत्ता क्या है? तो फिर क्या कर्म कुछ काम के नहीं, या कर्म में कुछ हो नहीं सकेगा? इस तरह की जो सवाल है हर किसी को पड़ता है। लेकिन अब हम आएंगे थोड़ा सा व्यक्तिगत चीजों पर। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम थोड़ा अपने जीवन को याद करो। तुम अपने जीवन को जब याद करोगे तब तुम पाओगे कि एक समय ऐसा था कि तुम्हारा ज्यादा मेहनत ना किए बगैर भी तुम्हें बहुत कुछ मिला। सफलताएं तुम्हें जल्दी जल्दी मिल रही थी, थोड़ी सी मेहनत के साथ ज्यादा सफलता मिल रही थी, थोड़ा कुछ काम किया और तुम्हारी पूरी की पूरी नसीब चल पड़ी। और एक समय ऐसा भी था कि जब तुम बहुत मेहनत ले रहे थे, बहुत उछल कूद कर रहे थे, अपने कर्मों के साथ बहुत खेल रहे थे, बावजूद उसके तुम्हें सारी सारी छोटी छोटी चीजें भी हासिल नहीं। ये हर किसी के जीवन का अनुभव है और इन अनुभवों के लिए किसी भी तरह का रिसर्च पेपर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे अब कुछ ऐसा फील हो रहा है भीतर, तो इसका कोई रिसर्च पेपर नहीं बन सकता। मैं उसे अनुभव कर रहा हूं, यही उसकी शाश्वती, यही उसकी सच्चाई। उसी तरह से मैं तुमसे कहूंगा
कि अगर मैं तुम्हारे जीवन के बारे में तुम्हें सोचने के लिए कहूं तो तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसा बहुत बार हुआ कि कई बार ऐसी घटनाएं घटी कि जो अचानक से घटी और बड़ी प्यारी थी, बड़ी सुखपूर्ण थी, उसके लिए तुमने ज्यादा मेहनत भी नहीं ली थी। और कभी कभी ऐसा हुआ कि सालों तक तुम किसी चीज के पीछे पागल थे, सालों तक तुमने किसी चीज के पीछे दौड़ की, सालों तक तुमने किसी ना किसी चीज के पीछे अपना पूरा जीवन दिया, बावजूद उसके तुमने यही पाया कि तुम्हारे हाथ कुछ ना लगे। अब यहाँ पे इस चीज को समझो कि ज्योतिष और कर्म किस तरह से काम कर। मैं हमेशा एक ही एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ या एक ही चीज बताता हूँ और वही रिपीट करूंगा, और वो ये है कि ऐसे समझो कि घर मर तुम्हारा जो घर है वहां पर तुम्हें जो इलेक्ट्रिसिटी आती है बोर्ड से, इलेक्ट्रिक बोर्ड से, उसका जो सप्लाई है क्या तुम्हारे हाथ में? नहीं। लेकिन तुम्हारे घर पर किस तरह की इक्विपमेंट यूज करना, ये क्या तुम्हारे हाथ में है? बिल्कुल। अब कभी कभी ऐसा है कि कम, हम कहते हैं ना कि वोल्टेज कम है आज, तो जब वोल्टेज कम है तो चाहे तुम कितना भी प्रयत्न कर लो पंखे को 5 के स्पीड से घुमाने का, वो नहीं घूमेगा, वो 1 की रफ्तार से ही घूमेगा। तो क्या यहां पर तुम्हारी मेहनत किसी काम की बची? नहीं, सप्लाई में ही इशू। और वही कभी कभी ऐसा होता है कि सप्लाई जो है, जो वोल्टेज है तुम्हारे घर का, वो थोड़ा सा हद से ज्यादा है, तो तुम पाओगे कि पंखा 5 पर भी ऐसा घूम रहा जैसे 10 पे। तुम पाओगे कि सारी अप्लायंसेस लगाने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, हर चीज का उपयोग कर सक रहे तुम अपनी पूरी की पूरी शक्ति में। तो क्या तुम ये कहोगे कि ये तुम्हारे कारण हो? तुम यही कहोगे कि हाँ, सप्लाई अच्छा है इसलिए सब कुछ बराबर से चल रहा है। समझे? इसी तरह से ज्योतिष शास्त्र को देखना, इसे 50-50% से ही देखना, 50-50% इस हिसाब से कि पहले तो ये समझ लेना कि भाई नसीब का अपना काम है और कर्मों का अपना काम। ऐसा समझो कि मेरा नसीब कितना भी खराब है और मैं अपने घर में बैठा हुआ ऐसे, तो मेरा कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और अगर मेरा नसीब कितना भी अच्छा है और मैं फिर भी घर में बैठा हुआ ऐसे ही, तो तुम पाओगे कि अपने से अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी, अपने से सारी की सारी चीजें जुड़ जाएगी, अपने से बहुत सी चीजें ऐसी हो जाएगी जो तुम्हारे मेहनत के बावजूद नहीं। मैं कहूंगा इसे 50-50 तरह से देखना, 50-50 तरह से इसलिए क्योंकि एक समय है कि जो तुम्हारे जीवन का अच्छा समय है, ये शरीर पर उस तरह से काम कर रही है कि तुम्हारी थोड़ी सी मेहनत तुम्हें बड़ी सफलता दे रहा है। और कभी एक ऐसा समय आता है कि तुम्हारी बहुत ज्यादा किए गए मेहनत भी तुम्हें सक्सेस नहीं देती, चाहे तुम उस पंखे में बंबू डालो और हाथ से घुमाओ, फिर भी वो घूमेगा नहीं 5 की स्पीड से। और जैसे ही वोल्टेज बढ़ा, तुम पाओगे कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने से वो घूमने लगा। तो तुम्हें सप्लाई वोल्टेज पर काम करने की जरूरत है रादर देन पंखे पर। अंडरस्टैंड? इसी तरह से ज्योतिष शास्त्र को देखना, ज्योतिष शास्त्र वो शास्त्र है कि जो तुम्हारे जीवन में अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता। ये जो ग्रह तारे हैं वो इस तरह की पूरी शाखा बनाते हैं, ऊर्जा का तुम्हारे आसपास प्रवाह रखते हैं कि तुम्हारी चीजें आसान होगी या नहीं, वो तुमसे होगा या नहीं। कर्म तो सभी कर रहे हैं, कौन नहीं चाहता है यहाँ पे करोड़पति बनना, कौन नहीं अपने बिजनेसेस को खड़ा करता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत मेहनत के बाद भी कोई बिजनेस डूब जाता, और चाहे तुम उसके बाद गलतियां ढूंढ लो, लेकिन अगर तुम ज्योतिष शास्त्र को पूछोगे तो वो कहेगा कि उसका समय जो था उस वक्त का वो लो वोल्टेज वाला था, वो कितनी ही मेहनत लेता फिर भी उसका एक लाइट भी चलना मुश्किल, एक छोटा लाइट भी उसके हाथ से उसके घर में जल जाए ये पॉसिबल नहीं, इस तरह का उसका समय था ये हम कह सकते। इसी तरह से उसे देखा। तो लोगों का ये भी सवाल आता है कि क्या किसी तरह के जेमस्टोन्स, किसी तरह की पूजा पाठ इन चीजों से राहत दे सकती है? तो मैं कहूंगा कि पूजा पाठ तो हम थोड़ा सा बाद में स्टडी करेंगे, क्योंकि पूजा पाठ की जब बारी आती है तब मंत्र विज्ञान की बारी आती है। जब कोई भी धर्म किसी भी तरह का पूजा पाठ या किसी भी तरह की रिचुअल करता है तो वो मंत्र शास्त्र में चले जाता है, क्योंकि मंत्र का ही आवाहन किया जाता है, उस तरह के देवताओं का ही आवाहन किया जाता है। उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, लेकिन इतना समझ लो कि अभी हम जेमस्टोन्स पे बात करें। ये जेमस्टोन है क्या? इसे इसी तरह से समझो जैसे हमने कल देखा कि अगर कोई ग्रह तुम पर किस तरह से काम कर रहा है, वो इस तरह से काम कर रहा है कि हमारे शरीर के वो तत्व जो उस ग्रह में ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है वो हमारे शरीर पर इजीली एनर्जीज को रन कर सकता है, काम कर सकता है। लेकिन एक समय के बाद ऐसा आता है कि वो जो एनर्जीज हमारे शरीर पर जिस तरह से काम कर रही है वो अगर हमें समझी, जैसे कि हमें पता है कि शनि ग्रह पर जो लोखंड है वो बड़ा है, ज्यादा प्रमाण में वहां पर लोखंड है, ऐसा नहीं कि बाकी के ग्रहों पे नहीं है। तो जो लोग अपने बचपन में एक अंगूठी डाले हुए, जो पूरी जिंदगी के लिए डाले हुए, वो काम नहीं करेगी। जो ज्योतिष शास्त्र को जानते हुए जानते हैं कि उसमें
पैटर्न है, उसको कहते हैं विषोत्तरी दशा। इस विषोत्तरी दशा के तहत तुम्हें पता चलेगा कि अगले 10 साल, 5 साल, 6 साल के लिए तुम्हारे जीवन पर किस तरह के कौन से ग्रहों का प्रभाव रहेगा, जिसमें महादशा, दशा, उपदशा ये सारी चीजें आती हैं। और कोई कोई ग्रह है जो तुम्हारे जीवन में एक समय के लिए आता है, 4 साल, 5 साल के लिए, तो उस वक्त अगर तुम उस ग्रह से बचने के लिए, उसकी निगेटिव एनर्जी से बचने के लिए उस जेमस्टोन को अगर लगते हो तो वो तुम्हारे लिए काम करेगा, लेकिन जैसे ही उस दशा से तुम बाहर गए अब वही जेमस्टोन तुम्हारे लिए खराब। मैक्सिमम टाइम पे ये होता है कि वही समस्या क्रिएट करता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि इस चीज को समझना, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम एक बार कोई अंगूठी डालते हैं और जिंदगी भर के लिए उसे कैरी ऑन करते, ऐसा नहीं होता, ऐसा हो भी नहीं सकता। ये तो ऐसे ही है कि तुम पाओगे कि कोई इंसान एक बार ऑपरेशन करे और आखिरी तक एक ही तरह की दवाई लेते बैठे, कैसा हो सकता। तुम्हें रेगुलर चेकअप करना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा कि अब मेरे शरीर की स्थिति क्या है, कि उस दवाई मेरे शरीर पे कुछ काम की भी है या नहीं, या मुझे अपडेट की जरूरत है, मुझे बदलने की जरूरत है। तो इतना डीप ज्योतिष शास्त्र जाता है। ज्योतिष शास्त्र ये भी मानता है कि इंसानी शरीर अपने में एक डिवाइस है, अपने में एक मशीन के जैसा है, और उस पर बहुत सी चीजों का, बहुत सी एनर्जीज का अपना एक प्रभाव, और उन प्रभावों के तहत उसका पूरा का पूरा इतिहास और भविष्य बना हुआ है। जो आज हम प्रिडिक्शंस करते हैं विज्ञान के द्वारा, ये भी किसी ज्योतिष से कम नहीं। विज्ञान ये कहता है कि हमने इस तरह के रिजल्ट्स लेकर इन चीजों को आपा है, नापा है, हमने ये पाया है कि ये ग्रह आज यहाँ पर है, या ये मिटियोर या ये एस्ट्रॉइड यहाँ पर है, भविष्य में यहाँ पे होगा, इसकी जो जगह है वो बदल जाएगी। और अगर वो उस तरह से कैरी ऑन नहीं होता है तो फिर हमें हमारे नियमों को टूटते हुए देखकर बड़ी तकलीफ भी होती है, या बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम पाते हैं कि ये निसर्ग अपने नियमों से चलता है, हमारे नहीं। लेकिन ये आपा गया पूरा का पूरा अंदाज क्या झूठा है? नहीं, उसके पीछे उसका एक विज्ञान है, उसके पीछे उसके एक कैलकुलेशंस है। उसी तरह से जब ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि भविष्य में तुम्हारी गति ऐसी होगी, तुम्हारी स्थिति ऐसी होगी, तो इसके पीछे भी एक विज्ञान है जो शायद हम भूल चुके, जो शायद हम पूरी तरह से कहीं गायब कर चुके। हम इतना ही कहते हैं कि नहीं नहीं ये ग्रह तारे हैं, हमारे जीवन पर काम करते हो, ऐसा ही है, ऐसा ही होगा, लेकिन उसके पीछे का जो रीजन है वो बहुत गूढ़ है। और वो गूढ़ इस तरह से जाता है क्योंकि इंसानी शरीर जो तुम अभी देख रहे हो खुद को, वो इतिहास से बना हुआ है, बराबर, वो तुम्हारे कल से निर्मित है। ऐसा नहीं है कि आज तुम पूरे के पूरे नए हो। अगर और डीप जाओगे तो तुम पाओगे कि ना सिर्फ इस जन्म में, कई जन्मों के चीजें तुमसे आज भी जुड़ी हुई। तो जो लोग पास्ट लाइफ के प्रयोग करते हैं, पुरानी जो हमारा जीवन है उससे रिलेटेड, तो वो पाते हैं कि हमारे आज के जीवन की ऐसी बहुत सी समस्या है जो पिछले जन्मों से जुड़ी हुई। दुनिया भर में इसके एक्सपर्ट्स हैं, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में ये पढ़ाया जाता है कि किस तरह से पिछले जन्म में हुई एक पर्टिकुलर घटना हमारे इस जीवन को बहुत बड़े पैमाने पर हैम्पर करती है। अगर तुम इसके बारे में थोड़ा भी जानकारी पाओ तो तुम पाओगे कि दुनिया भर में ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो पास्ट लाइफ तुम्हें याद दिलाने में लगे। अगर तुम उस तरह के प्रोग्राम्स करो तो तुम पाओगे कि सच में ये तुम्हारे साथ हो भी रहा है, इस तरह के एक्सपीरियंस तुम्हें आ भी रहे हैं कि पिछले जन्मों में तुम्हारे साथ क्या हुआ, कौन सी चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है आज के जीवन में, ये अगर तुम पता कर लो, रिलीव कर लो। और उस वक्त होता ये है जब तुम रिलीविंग करते हो तो ये नहीं होता कि तुम आज के हो, तुम उसी वक्त में चले जाते। अगर तुम पिछले जन्म में वो इंसान हो तो उस वक्त के लिए जब तुम उसे याद कर रहे हो तुम वही इंसान, तुम वापस से दोहरा रहे अपने दिमाग में उन चीजों को, एंड देन यू केम बैक। दुनिया भर के बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस चीज का पूरा अध्ययन किया है कि हाँ पिछले जन्म होते हैं और हमारे दिमाग में पिछले जन्मों की यादें हमेशा सुरक्षित रहती। सच तो यह है कि हमारे दिमाग के बारे में भी विज्ञान को अब पूरी तरह से पता नहीं है, पूरी चीजें हम जानते नहीं है। अपने शरीर के बारे में भी हम ये भी जानते नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसी कौन सी एनर्जी है जो हमें जीवित रख। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस है ये वो, अभी रिसेंटली हुई डिस्कवरीज ने ये बताया है कि हमारा जो हृदय है, जो हमारा हार्ट है, उसके भीतर भी न्यूरिनोज होते हैं जो सिक्स सेंस का काम करते हैं, जो पहले ही भाप लेते हैं कुछ चीज़ों को, जो पहले ही समझ जाते हैं किन्हीं चीज़ों को कि हो सकता है, ये दिमाग का काम नहीं, ये भीतर से है। इसलिए सब लोग एक चीज़ कहते हैं हमेशा कि मुझे ना पहले ही अंदाजा आ चुका। ऐसा सबके साथ हुआ होगा कि हम कहते भी हैं जीवन में कि यार मुझे पहले ही लगा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे वो फील हो ही रहा था, कुछ अच्छा बुरा है ना, सबके साथ होता है। और जब ये होता है तो हम कहते हैं यार मुझे ना सही लग रहा, हम उसको सिक्स सेंस से जोड़ देंगे। ये सेंस नहीं है,
ये कोई माइंड रिलेटेड नहीं है, ये हार्ट का काम। ये हार्ट में जो न्यूरिनोज है वो सोच विचार करने में शक्तिहीन है, लेकिन दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर, वो इस आसपास के नेचर को अंडरस्टैंड करने में बड़े प्यारे। उनको यही समझता है द एनर्जी फॉर्म, और अब विज्ञान इस पर और काम करके इस चीज़ को और अच्छे से समझ रहा है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हमेशा एक सवाल आता है कि दिमाग की सुनो या हृदय, दिमाग की सुनो या मन की। अब रिसेंट एक्सपेरिमेंट्स ये कहते हैं कि भाई अपने दिल पर हाथ रखो और उस सवाल को दोहराओ दोहराओ दोहराओ, तुम्हारा हृदय ही उसका उत्तर दे रहे। और ये करके भी देखना, मैंने बहुत से लोगों को बताया भी है, कुछ लोगों ने करके भी देखा है और उन्हें उसके अच्छे रिजल्ट्स आए। और ये मेरी ढूंढी हुई प्रक्रिया नहीं है, ये कोई मैंने पता किया ऐसा नहीं, विज्ञान ने अपने से पता की चीज़ है और विज्ञान ने ही इस एक्सपेरिमेंट को निकाला है। और उन्होंने ये पाया कि अगर तुम किसी भी दो चीज़ों के बीच में कन्फ्यूज़ हो, अपने हाथ को अपने हृदय पर रखकर अगर तुम उस विचार को दोहराओगे तो तुम पाओगे कि एक ही चीज़ बची जो हृदय ने तुम्हें उत्तर दी, दूसरी अपने से निकल गई, एक चीज़ तुम्हारे सामने है, डू इट, वही तुम्हारे लिए सही होगा। इस तरह की जो चीज़ें हैं यह विज्ञान भी समझ रहा है। जस्ट बिकॉज कि विज्ञान पूरी तरह से आज ज्योतिष शास्त्र को समझ नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो नहीं रहा। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो लोग इस शास्त्र में हैं वो भी इसको पूरी समझे बगैर सिर्फ साहित्य के आधार पर तुम्हें ऐसी चीज़ें करने के लिए कह रहे हैं जो करना ही बड़ा इलॉजिकल है। वो तुमसे कहते हैं कि इस ग्रह का अगर परिणाम इस तरह से हो रहा है तुम्हारे जीवन में तो जाओ दान करो, ये करो, कुत्तों को खिलाओ, गधों को खिलाओ, सूअरों को खिलाओ। ये शुरू क्या है? क्या अब प्राणी हमारे जीवन को तय करेंगे? क्या उनकी ऊर्जा अब हम पे काम करेगी? ये इतना ही नीचे तक चला गया। इस तरह की बातों ने भी बहुत से ज्योतिष शास्त्र में खुद को खराब कर लिया।